प्लान इंडिया रियल्टेक और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट में सचिन आपका होस्ट। तो फिर से आए हैं हम लोग मेट्रो सिटी में एक बार फिर, और वो आए हैं इसलिए क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको ये प्रॉपर यहाँ पे क्या प्लॉट्स हैं, क्या साइज हैं, क्या आपका वो है एरिया है और क्या रोड्स हैं, सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अब की बार हम आपको एक घर दिखाने वाले हैं जो कि यहाँ पे बना हुआ है 125 गज में। तो एंट्री कर रहे हैं अटल द्वार, एज यू नो यहाँ से हमने एंट्री करी है। सामने बूमरैंग दिख रहे हैं, यहाँ पर एमिनिटीज़ में सारी चीज़ें होंगी आपकी, आप पेड़ देख ही रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं और क्या बोलते हैं ग्रीनरी आप देख रहे हैं आराम से। तो इस तरीके का ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें हम आगे फर्दर चीज़ें जोड़ते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे जो ये डेवलपर हैं ये घर बना रहे हैं उनकी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। यहाँ पे साइडों में आप देख रहे हैं प्लॉट्स हैं छोटे, इस तरफ 20 फीट की इसमें छोटी रोड है जो राइट साइड में जाती है, जो ये वाली रोड जिस पे हम चल रहे हैं ये 30 फीट की रोड है। तो ये 30 फीट की रोड के ऊपर ये 125 गज का मकान है, टू स्टोरी है, पूरा बना हुआ है, फिनिशिंग का काम चालू है। इसमें प्लॉट साइज है 125 स्क्वायर यार्ड का और इसका जो फ्रंट आता है वो 22.5x50 का इसका प्लॉट साइज आता है। और ये आपके जो है एंट्री पे आपकी कार पार्किंग होगी जिसमें अच्छी खासी बड़ी एक गाड़ी आप खड़ी कर सकते हैं। ये आपका ग्रीनरी के लिए एरिया हो जाता है। और अब हम एंट्री करते हैं ड्राइंग एरिया की तरफ। ये इसका ड्राइंग एरिया है, काफ़ी बड़ा है जो कि करीब करीब मतलब 16x12 के आसपास का पड़ेगा। इधर से हम एंट्री कर रहे हैं, ये स्टेयर केस ऊपर जा रहे हैं। और यहां से हमने एंट्री की है और एंट्री करते ही राइट साइड में आपको जो दिखेगा वो किचन दिखेगी। यहाँ पे आपका किचन आएगा। अभी चीजें जो है पूरी तरीके से बनी नहीं है लेकिन इसमें सारे फिक्स्चर्स आपको मिलेंगे, पेंट वगैरह वुडन वर्क जितना हो सकता है वो सब कुछ तैयार होकर के मिलेगा। सामने की ही तरफ इसके जो है ये आपका जो है डाइनिंग एरिया भी आ जाता है, काफ़ी प्रॉपर एरिया है ये। और ये इसका फर्स्ट बेडरूम है और फर्स्ट बेडरूम के साथ में पीछे जो है ओपन स्पेस दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए और वॉशरूम्स भी हैं। ये भी पूरी तरीके से बने नहीं है लेकिन यहाँ पर इसका एक तरीके से नींव डाल दी गई है। अब हम चलेंगे दूसरे रूम में, ये इसका दूसरा रूम आ जाता है। आप देख रहे हैं डे लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है, यहाँ भी कोई लाइट नहीं लगी हुई है, कुछ भी नहीं लगी हुई है। अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर भी बना हुआ है, इसका एलिवेशन बहुत प्यारा है, इसकी मैं फ़ोटो डाल दूंगा कोशिश करके अगर आ गई तो इसमें, नहीं तो आप मेरे को कॉल करेंगे तो मैं इसका एलिवेशन आपको दे दूंगा 3D का जो है। ये हम ऊपर आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, ऊपर फर्दर मुमटी के लिए जा रही हैं ये स्टेयर केस। यहाँ पे भी एक रूम है, ये लेफ्ट है विद वॉशरूम। ये आपका यहाँ पर लिविंग एरिया आ गया जिसमें आप बैठ के आराम से मूवीज वगैरह देख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और साथ में जो है सेकंड किचन मान लीजिए यूटिलिटी एरिया ये बन के आता है, ये वाला जिसमें आप अपना काम की चीज़ें भी रख सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं उसको एज एन किचन। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप करते नहीं हैं, बहुत गलत बात है, बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आपको छोड़े जाता हूँ बाकी की वीडियोज़ के साथ में भी।